बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए भाजपा कार्यकर्ता फिलहाल घनश्याम तिवाड़ी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बीजेपी का काम है मुद्दे उछालने का, राजस्थान में विपक्ष में बीजेपी है और बीजेपी मुद्दे उछालकर सरकार की नाकामियों को जनता के सामने ला रही है। तो राजस्थान से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, उन्हें आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि ये बेवजह के मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस बार बार उतार कर लेकर आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को लेकर अड़िग है। बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, कहना है भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसको लेकर हमेशा आक्रामक भी रही है। फिलहाल ये प्रदर्शन जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं भाजपा कार्यकर्ता, देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। शहीद स्मारक से भाजपा का ये पैदल मार्च और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया साथ ही तस्वीरों में घनश्याम तिवाड़ी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी वहां पर मौजूद हैं और ये हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए धीरे धीरे कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, नारेबाजी वहां पर हो रही है। बढ़ते हुए अपराध इस प्रदर्शन का, इस मार्च का विषय और मुद्दा, बारी बारी से मीडिया से मुखातिब होते हुए लगातार इसी बात को एक विपक्ष के तौर पर जो भूमिका बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लगातार आक्रामक इस मुद्दे को लेकर है कि प्रदेश में आपराधिक मामलों की वृद्धि हुई है जब से कांग्रेस सरकार आई है, कहना है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का। उनका कहना है कि लगातार जो क्राइम रेशियो है वो बढ़ा है और साथ ही जो सॉल्विंग रेट है वो भी, और प्रदेश में अपराध इतना ज़्यादा हो रहे हैं कि अपराधियों में इस चीज़ को लेकर डर नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोग वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है, कार्यकर्ता अति उत्साहित और इसको लेकर के मैनेज करने की कोशिश इन सभी को जो साथी हैं वो कर भी रहे हैं।